दिन में पीलीभीत और बालाघाट में रैलियां करने के बाद शाम को चेन्नई में पीएम मोदी का रोड शो। सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़, लोगों ने फूलों से किया स्वागत। दक्षिण भारत के लिए कांग्रेस ने रखा 50 सीटें जीतने का लक्ष्य। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेन सिंह, 10 साल बाद दोबारा कांग्रेस में वापसी। पंजाब किसान मोर्चा ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जारी की 11 सवालों की लिस्ट। पूछा किसानों को, किसानों के सामने क्यों मारा, किसानों की कर्ज मुक्ति में दिक्कत क्या है। चुनाव आयोग का सीबीडीटी को आदेश, थिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे की जांच करें। कांग्रेस ने आय को लेकर चुनाव आयोग से की थी शिकायत। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर नाना पटेले का बयान, सारे फैसले आलाकमान से बात करके लिए गए, नाराज होना स्वाभाविक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को गृह मंत्रालय से मिली सुरक्षा, आईबी की रिपोर्ट के आधार पर दी गई सिक्योरिटी। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बयान, इंडिया गठबंधन से सबसे ज्यादा बीजेपी परेशान। मितेंद्र सिंह होंगे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष। विक्रांत भूरिया के ने पिता के चुनाव का हवाला देकर इस्तीफे की पेशकश की। और आगे देखिए मोदी नीति की मार, अर्जी लेकर खड़े शाहबाज द पीएम का।